वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दाड़बड़। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोग के पास आए। जैसा कि आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम 5 डिफरेंट टाइप की राखी बनाएंगे डिफरेंट टेक्निक का यूज करके। मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ 2 वीडियो शेयर करी हुई थी जिसमें मैंने आपको रीजिंग राखी कैसे बनाते हैं वो वीडियो बताया हुआ था, एक मैंने श्रिंक प्लास्टिक से कार्टून राखी कैसे बनाते हैं वो वीडियो शेयर करी हुई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख लेना। और आज की वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। और आप लोग को सबसे अच्छी उनमें कौन सी राखी लगी और आप कौन सी बनाओगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे थ्रेड की राखी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 कलर के थ्रेड ले लिए हैं। अब इनको हम दोनों को मिक्स करके इस टाइप से अपनी फिंगर पे राउंड राउंड करेंगे। यहाँ पर मैंने 15 टाइम इसको राउंड करा है। अब इसमें हम एक नॉट टाई कर देंगे। अब हम यहाँ पे सीजर से थ्रेड को कट कर देंगे। दोनों तरफ के थ्रेड हमको कट करना है। इस टाइप से हम थ्रेड को फैला लेंगे एक फूल की तरह और इसके बाद इस पर ब्रशिंग करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे सारे थ्रेड खुल जाएं और इसको सर्कल में हम कट कर लेंगे। अब इसमें हम थ्रेड लगाएंगे। सो यहाँ पे मैं फेबिकॉल की हेल्प से इसमें थ्रेड ऐड करूँगी और मैंने पेपर से सर्कल कट करा हुआ था उसको मैंने इस पर लगा दिया है। अब इसके सेंटर में मैं यहाँ पे पर्ल ऐड कर दूंगी और ये हमारी 2 मिनट में बनने वाली राखी रेडी हो गई है। कैसी लगी कॉमेंट में बताना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट राखी बनाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पे 3D पेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले से ही बटर पेपर पर भाई लिख लिया है। अब हम 3D पेन से इसके ऊपर भाई लिखेंगे। सो फटाफट से मैं ये भाई लिख लूँगी। अब आप लोग समझ के होंगे आगे हम क्या करने वाले हैं। तो जी हाँ, अब इसके बाद इसके एक्स्ट्राज हम कट करने के बाद इसमें हम थ्रेड ऐड करेंगे और ये राखी सिर्फ 1 मिनट में बन चुकी है, आप देख सकते हो। अब लास्ट में हम यहाँ पे नॉट टाई कर देंगे। नॉट टाई करने के बाद अगर आप लोग चाहें तो इसमें मोती वगैरह ऐड कर सकते हो, अगर आप लोग ना चाहें तो ऐसे भी ये बहुत ही प्यारी लगेगी, लेकिन मैं इसमें मोती ऐड करूँगी और हमारी राखी रेडी हो जाएगी। और हमारी राखी रेडी है, कैसी लगी कॉमेंट में बताना। अब हम यहाँ पे सबसे प्यारी राखी बना रहे हैं मोल्डेड क्ले का यूज़ करके। अगर आपके भाई लोग को कोई भी फूड पसंद है तो आप उनके फूड के अकॉर्डिंग ये राखी बना सकते हो। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरे छोटे भाई को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो आज मैं उसके लिए पिज़्ज़ा राखी बनाने वाली हूँ जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाएगा और इस राखी से उसको प्यार हो जाएगा। और बाद में इस राखी को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं एज अ फ्रिज मैगनेट या फिर की चेन। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा बना लिया है। अब इसमें मैं दोनों साइड यहाँ पे होल कर दूंगी पैन की हेल्प से। क्ले के ड्राई होने के बाद हम इसमें एक्रेलिक कलर पेंट करेंगे, उसके बाद इसमें हम कलरों का खेल शुरू करेंगे। और मैं इसको बहुत ही कलरफुल बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा को। इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड करने वाली हूँ और मैं इसको ऐसा पेंट करने वाली हूँ जिसको देख के मेरे भाई को खाने का मन हो जाए, वो ये सोचे कि यार ये रियल में पिज़्ज़ा रख दिया मेरे सामने। और इसको पेंट करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और देखते हैं कि इसका लुक कितना मैं रियल बना पाती हूँ। अब मैं इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हो इसको मैं कितना सारा कलरफुल बना रही हूँ। मैंने ग्रीन, रेड, पिंक, ब्लैक और सारे कलर्स में फिल कर दिए थे और ये बनने के बाद लिटरली मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि मैंने इतना प्यारा ये पिज़्ज़ा बना लिया। और ये हमारा पिज़्ज़ा देखिए रेडी है। अगर आप लोग को भी रियल लग रहा हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कॉमेंट में पिज़्ज़ा कॉमेंट कर देना। और लास्ट में हम इसमें वार्निश का कोट अप्लाई कर देंगे और हमारी यमी पिज़्ज़ा राखी रेडी है। अब यहाँ पे मैं कृष्णा जी वाली राखी बनाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे श्रिंक प्लास्टिक पे ट्रेस को कॉपी कर लेंगे और अब हम इसमें कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो मैंने 2 दिन पहले आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करा हुआ था जिसमें मैंने श्रिंक प्लास्टिक से कार्टून राखियाँ बनाना बताई हुई थी। अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आप लोग यह प्रोसेस भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी सारा प्रोसेस सेम होने वाला है। हम हीट गन की हेल्प से इसको श्रिंक करेंगे। और ये वाली राखी मैंने इस वीडियो में इसलिए इंक्लूड करी हुई है ताकि आप लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो तो आप लोगों को नॉलेज हो कि ऐसे भी हम राखी बना सकते हैं हीट गन का यूज़ करके। और बनने के बाद ये लगती नहीं है कि आप लोगों ने इसको घर पर बनाया है। अगर आप लोग को ये राखी पसंद आई हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जय श्री कृष्ण कॉमेंट कर देना।
अब हम यहाँ पे क्विलिंग राखी बनाएंगे और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ क्विलिंग पेपर का। अगर आप लोग के पास क्विलिंग पेपर ना हो तो आप इसकी प्लेस पे जो भी आपके पास कलरफुल पेपर हो उसको आप कट करके क्विलिंग पेपर बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्विलिंग टूल की हेल्प से क्विलिंग पेपर को रोल कर रही हूँ। लास्ट में मैं यहाँ पे फेबिकॉल लगा दूंगी और मैं इससे फ्लावर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेम येलो कलर के 6 बना लिए थे और इसमें मैं कॉम्बिनेशन देने वाली हूँ व्हाइट कलर का, तो इसमें मैंने व्हाइट कलर के रोल्स बना लिए थे। अब मैं येलो कलर के रोल्स को इस टाइप से शेप दूंगी प्रेस करके, सो ये ऑटोमेटिक शेप में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम सबको आपस में स्टिक करेंगे, एक फ्लावर बनाएंगे। सो व्हाइट कलर मैंने सेंटर में रखा हुआ है, आसपास मैंने यहाँ पे येलो कलर के रोल्स लगा दिए हैं और अब हमारा प्यारा सा फ्लावर बन गया है। इसको और भी सुंदर बनाने के लिए हम इसमें स्टोन ऐड करेंगे। सो फटाफट से मैं फेबिकॉल की हेल्प से सब में स्टोन ऐड कर दूंगी और स्टोन ऐड करने के बाद मुझे ये पूरी कुंदन की राखी लग रही थी। अगर आप लोग को भी लग रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट में येलो हार्ट कमेंट कर देना। अब फटाफट से इसमें हम थ्रेड लगाएंगे, फेविकॉल की हेल्प से मैं इसमें थ्रेड लगाऊंगी और यहाँ पे मैंने एक पेपर का सर्कल कट करके रखा हुआ है, उसके ऊपर हम इस टाइप से स्टिक कर देंगे और हमारी क्विलिंग राखी रेडी है। पसंद आई हो तो येलो हार्ट कमेंट कर देना। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको सबसे अच्छी राखी कौन सी लगी और कौन सी आप बनाने वाले हो। अगर आप कोई भी राखी को रिक्रिएट करोगे तो प्लीज़ उसका रिक्रिएशन मेरे साथ शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। मैं आपको इंस्टाग्राम पेज मेरा यहाँ पे दे दूंगी। चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।